के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के पुत्र जो कि भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, यहाँ जहाँ यात्रा शुरुआत हुई वहीं से साथ में है और यहाँ इस यात्रा में नंगे पैर चल रहे हैं और यहाँ इनसे हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा में यहाँ नंगे पैर क्यों चले, क्या वजह रही और इनको भारत जोड़ो यात्रा में क्या महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका? चांडी उमन। चांडी चांडी उमन। आपके फादर का क्या नाम है? उमन चांडी। उमन चांडी, क्या राजनीति में शुरू से क्या है? मैं 22 साल पहले से पॉलिटिक्स में हूँ, अपने स्कूल के टाइम से ही पॉलिटिक्स में हूँ और अभी भारत जोड़ो यात्रा में यात्री के तौर पे हूँ राहुल जी के साथ। हम 126 लोग हैं, हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का तय किया। क्या वजह है जो आप नंगे पैर यात्रा में चल रहे हैं? नहीं, एक तो मेरा लीडर चल रहा है, देश का लीडर चल रहा है, उनके सॉलिडारिटी में मैं चल रहा हूँ नंगे पैर। और दूसरी बात है कि मुझे चप्पल पहनने से थोड़ा दिक्कत आता है, मैं मानता हूँ कि बिना चप्पल चले तो मुझे ज्यादा एनर्जी मिलता है। अच्छा, तो ये दो वजह है, इसके वजह से मैं चल रहा हूँ। अच्छा, तो आपको इस यात्रा में कैसा महसूस हुआ, क्या मतलब आपको? आप ही देखा ना, आप ही देखा, आप पूरे मध्य प्रदेश के टाइम पे थे, हर जगह पे, हर गली गली पे लोग राहुल जी का नाम ले रहे थे, राहुल जी के साथ चल रहे थे, राहुल जी से आके मिल रहे थे। ऐसा कोई कोई लीडर नहीं कर सकता है। नंगे पैर चलने में क्या परेशानी आई? कुछ परेशानी नहीं, नंगे पैर चलने से कोई परेशानी नहीं है। इधर मध्य प्रदेश तक परेशानी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में रोड्स का हालत थोड़ा खराब है। मुझे शूज पहनना पड़ा मध्य प्रदेश में, अभी तक सिर्फ मध्य प्रदेश में मुझे शूज पहनना पड़ा 2-3 दिन। अच्छा, तो पता नहीं उसकी क्या वजह थी, शूज पहनना पड़ा? रोड खराब था उसके वजह से। अच्छा अच्छा, रोड खराब था, आज भी सुबह थोड़ा खराब था। अच्छा, तो उधर भी मुझे शूज पहनना पड़ा। तो मध्य प्रदेश का रोड्स का बारे में सोच होना चाहिए गवर्नमेंट को भी। मतलब आप ये जो यात्रा समापन होगी जब तक के पैर में चप्पल नहीं, जितना हो सकता है मैं उतना चल रहा हूँ। देखो, अब मध्य प्रदेश आया, 2-3 दिन मुझे 90% ऑफ द टाइम मुझे चप्पल पहनना पड़ा। तो जब तक मेरा स्वास्थ्य अलाउ करता है, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं नंगे पैर चलूंगा, लेकिन जब कोई चारा नहीं है तो मुझे चप्पल पहनना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मध्य प्रदेश में आने के बाद इन्होंने यहाँ पर कई जगहों पे चप्पल पहनना पड़ी, वजह थी सड़कें कहीं इनको ख़राब मिली। ऐसे में यहाँ संकल्प निश्चित रूप से एक बड़ा है कि नंगे पैर पैदल यात्रा करना, वहाँ भी कई हजार मतलब 3600 किलोमीटर शायद या किलोमीटर की यात्रा है। ऐसे में नंगे पैर इस यात्रा को करना वाकई एक बड़ा संकल्प है। आगर मालवा से पंजाब केसरी के लिए सैयद जाफर हुसैन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।